नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। दिनांक 7/2/2023 दिन मंगलवार को शाम करीब 5 बजे एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के मुड़िला गांव में छापेमारी की गई, जिसमें मुड़िला गांव के खलिहान से लावारिस हालत में पड़ा लगभग 4 DCM गेहूँ बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार जो 156 बोरी है। यह कार्रवाई लगभग 2 घंटों तक चली। इस दौरान बड़ी संख्या में एसएसबी और पुलिस के जवान तैनात रहे। वहीं नौतनवा पुलिस ने बताया कि कस्टम अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। दरअसल भारत नेपाल की खुली सीमा तस्करी के लिए विख्यात है। जब से भारत से गेहूं निर्यात पर रोक लगी है, तब से नेपाल में गेहूं के दाम भारतीय मुद्रा में 4,000 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। इसी का लाभ तस्कर धड़ल्ले से उठा रहे हैं। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां चाहकर भी कालाबाजारी को रोक नहीं पा रही हैं। बता दें कि नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से लगे तकरीबन 45 किलोमीटर की भारत नेपाल सीमा पर तस्कर रोजाना 20,000 से 30,000 क्विंटल गेहूँ तस्करी कर उसे नेपाल पहुँचा रहे हैं। Thank you.